2018 is coming to a close and I hope you have spent this year very well and I hope next year भी आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो इन सभी टॉपिक को साइड में रख के चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो इस साल में मैंने बहुत सारे कस्टम रूम्स को मैंने अपने फ़ोन में ट्राई किए हैं। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको ये बात पता है। एंड इतने सारे रूम्स को ट्राई करने के बाद कौन सा रूम मुझे बेस्ट लगा उसका ही ओपिनियन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड इफ़ यू गाइस वॉच MKBHD's वीडियो तो आपने देखा होगा उन्होंने भी बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ 2018 का एक अवार्ड दिया है। एंड ये उनका कॉन्टेंट है एंड मेरा जो कॉन्टेंट है वो है कस्टम रूम्स को लेकर। तो मैं भी टॉप 5 कस्टम रूम्स ऑफ 2018 के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। टॉप 5 नहीं, बहुत सारे कस्टमर्स के बारे में आपसे बात करूंगा। एंड हाँ, बेशक मैं उनकी तरह अवार्ड नहीं दे सकता लेकिन कुछ हद तक मैं भी ट्राई करूंगा कुछ देने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर 5th पोजीशन में है जो है वो है पिक्सेल एक्सपीरियंस रोम। हाँ, पिक्सेल एक्सपीरियंस रोम आपको बहुत ही अच्छा फ्लूडिटी एंड बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको दे देता है लेकिन इसमें कोई भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। एकदम एक्जैक्टली जो पिक्सेल का जो फोन्स है उसके तरह ही आपको जो एक्सपीरियंस है वो देखने को मिलता है। इसमें बहुत ही स्मूथ है ये रोम और इसका अपडेट भी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है एंड आपको ये रोम यूज़ करके बहुत ही मज़ा आने वाला है लेकिन इसमें आपको कोई भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है पिक्सेल डिवाइस के तरह। तो नेक्स्ट जो है वो है साइबेरिया ओएस। हाँ गाइस, साइबेरिया ओएस बहुत ही अच्छा रोम है। इसमें आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है इसलिए ये नंबर 4th पोजीशन में मैंने रखा है। इसमें आपको बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। इवन अगर आप बेस्ट बैटरी बैकअप चाहते हैं एक रोम पे, यानी कि अगर आपका रिक्वायरमेंट बैटरी बैकअप है तो आप साइबेरिया ओएस को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इस लिस्ट में जितने भी रोम्स हैं उनमें से बेस्ट बैटरी बैकअप आपको साइबेरिया ओएस ही प्रोवाइड करता है। तो आप इसको जरूर फ्लैश कर सकते हैं एंड हाँ, इसमें आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसका मैंने रिव्यू नहीं किया है लेकिन मैंने इसको पर्सनली ट्राई किया है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रोम। और जो 3rd पोजीशन है वो है MIUI बेस्ड कस्टम रोम्स। हाँ, इसको मैंने ऐड किया है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसके साथ आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। ये जो कस्टम रूम्स है ये एक दो दिन के बाद थोड़ा सा लैगिनेस आपको इसमें देखने को मिलता है लेकिन MIUI कस्टम रूम्स में ये प्रॉब्लम नहीं आता है, आपको पहले जैसा ही स्मूथनेस देखने को मिलता है। हालांकि कुछ समय बाद ये भी होता है लेकिन जो कस्टम रोम्स है उसके मुकाबले थोड़ा कम होता है। एंड जो MIHP रोम है, MI ग्लोब रोम है, मैसिक रोम है, रेवोल्यूशन ओएस में, इसमें भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड MIUI प्रो में और भी ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है एंड लगभग सभी ऐप्स इसमें सपोर्ट कर जाता है एंड आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। एंड 3rd पोजीशन में भी मैं एक और रोम को यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ, वो है ऑक्सीजन ओएस। हाँ, ऑक्सीजन ओएस भी मैं इस लिस्ट में रख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आपको अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो आपको आई थिंक पता नहीं चलेगा इसमें स्नैपड्रैगन 660 है या 845, इतना ही परफॉर्मेंस इसमें बूस्ट होता है। डे टू डे यूसेज में आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही फास्ट आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलता है लेकिन इसका बैटरी बैकअप उतना भी अच्छा नहीं है इसलिए मैं आपको उतना स्ट्रांगली रिकमेंड ये नहीं कर रहा हूँ। ये एक्चुअली पोर्ट्रेट रोम है इसलिए उतना भी ज़्यादा स्टेबल नहीं है एंड आप सोच सकते हैं अगर ये स्टेबल होता है तो ये आपको कैसा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए जो OnePlus 6 डिवाइसेस है वो इतना फास्ट होता है एंड गेमिंग के मामले में बहुत ही अच्छा है OnePlus डिवाइस ऑक्सीजन ओएस के वजह से। तो ऑक्सीजन ओएस को भी मैं यहाँ पर नंबर 3rd पोजीशन में ऐड कर रहा हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है एंड आप इसमें गेमिंग भी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो नंबर 2nd पोजीशन में है लिक्विड रिमिक्स ओएस। तो लिक्विड रिमिक्स ओएस में आपको बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, उसके साथ कस्टमाइजेशन का बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन इसमें आपको देखने को मिलता है एंड इसका इंटरफेस भी बहुत ही अच्छा है एंड आपको बहुत ही अच्छा फ्लूइडिटी भी ये प्रोवाइड कर देता है। इसमें आपको बाय डिफॉल्ट 2 कैमरा देखने को मिलता है, एक है MI2 का कैमरा पोर्ट और एक है गूगल कैमरा एंड इसमें गूगल 3 का कैमरा भी सपोर्ट करता है, सॉरी जो पिक्सल 3 कैमरा है वो भी यहाँ पर सपोर्ट करता है, नाइट साइड मोड भी काम करता है। हालांकि सभी रूम्स में काम करता है लेकिन इसमें इनबिल्ट आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा बात है एंड इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, बहुत ही अच्छा कस्टमाइजेशन मिल रहा है, कैमरा भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है एंड आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार, इतना कुछ इसमें मिल रहा है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए लिक्विड रिमिक्स रूम मैंने 2nd पोजीशन में यहाँ पर रखा है।
एंड जो नंबर वन है वो है, एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग इसको गेस कर लिए होंगे, वो है Havok OS। यस गाइस, Havok OS को मैं यहाँ पर रिवॉर्ड देता हूँ, तो ये है मेरा रिवॉर्ड, हंसना मत यार तो ये रिवॉर्ड मैं Havok OS को देना चाहता हूँ। MKBHD जैसा उतना अमीर नहीं हूँ, इसलिए इससे ही मैं मैनेज कर लेता हूँ, आई होप आप भी कर लेंगे। तो Havok OS में आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, एंड आपको इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा मिलता है। एंड बात करें तो कस्टमाइजेशन का, इसमें टन ऑफ कस्टमाइजेशन का आपको ऑप्शन है, इसमें स्टेटस बार से लेकर आप सब कुछ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इवन अगर आप इसमें रिंगटोन चेंज करते हैं उसमें भी बहुत ही अच्छा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो Havok OS में बैटरी बैकअप भी अच्छा है, परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा ही है, उसके साथ कस्टमाइजेशन भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये रोम सबसे बेस्ट है, एंड मेरे ओपिनियन में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप इस रोम को ट्राई कर सकते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टॉप 5 रोम्स ऑफ नवंबर 2018, इसमें भी मैंने Havok OS को आपको रिकमेंड किया था, एंड आपने आई होप इसको ट्राई करके बहुत ही इंजॉय भी किया होगा, क्योंकि पर्सनली मैं भी इसको अभी ट्राई कर रहा हूँ, एंड ये बहुत ही अच्छा कस्टम रोम है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोग मुझे आस्क करते हैं कैसे मैं अपने फ़ोन में इन रोम्स को फ्लैश कर सकता हूँ, तो इसका भी ट्यूटोरियल मैं इसके बाद आपको दे देता हूँ। एंड भाई का चैनल है यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड कर दो यार लाइक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।